टीएमसी की एक और नेता घोटाले के आरोपों के जाल में फंसती जा रही है। एक और नेता पर ईडी अपना शिकंजा कसती जा रही है। ये नेता है टीएमसी सांसद नुसरत जहां, जिनका नाम रियल एस्टेट घोटाले में आया है। आरोप है कि नुसरत जहां एक ऐसी कंपनी से जुड़ी थी जो मकान की शुरुआती रकम लेने के बाद अपने वादे से मुकर गई। दरअसल 2017 तक नुसरत सेवन सेव इंफ्रा की निदेशक थी। इस रियल एस्टेट कंपनी ने 429 लोगों से पैसे लिए, हर शख्स से 5.5 लाख रुपए लिए गए। नुसरत कुछ दस्तावेज लेकर ईडी के दफ्तर पहुंची। ईडी ने दस्तावेज नुसरत से तलब किए थे। ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है, उसमें व्यक्तिगत पेशे से नुसरत को छूट मिली है। आप अगर दुर्नीति किए हैं, आप अगर पब्लिक को ठगा है, तो आपका कोई निस्तार नहीं है, आपको आपका शास्ति होगा। आज नुसरत जहान करोड़ों रुपया उनको दिया गया है, जो रिटायर्ड लोग हैं, वो आज अपना सारा जीवन का जो पूंजी है वो उनका हाथ में दिए थे फ्लैट पाने के लिए, और उनको फ्लैट भी नहीं मिला, उनको पैसा भी नहीं मिला। टीएमसी के नेता एक एक करके ईडी की जांच के दायरे में आते जा रहे हैं। जिस रोज ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने कोयला घोटाले में फिर से पेश होने का समन दिया, ठीक उसी दिन ईडी के रडार पर थी बशीर हाट से टीएमसी के सांसद और एक्ट्रेस नुसरत जहां। उधर सवाल अभिषेक बनर्जी के समन को लेकर भी हो रहा है, क्योंकि 13 सितंबर को ईडी ने उन्हें पेशी के लिए बुलाया है, और इसी दिन इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक भी है। अभिषेक बनर्जी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वैसे ममता बनर्जी पहले ही अपनी पार्टी के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाती रही हैं, और इसी बहाने बीजेपी पर भी हमला बोलती रही हैं। ये हमारा रिक्वेस्ट है, देखो पॉलिटिकली आपका साथ हमारा डिफरेंस होगा, पॉलिटिकली डेमोक्रेसी में कुछ कुछ पार्टी का साथ कुछ कुछ एडजस्ट होता है, कुछ कुछ पार्टी का साथ कुछ कुछ एडजस्ट नहीं होता है, ये तो लोकतंत्र में होता है। लेकिन लोकतंत्र का एक सीमा होता है, वो सीमा मान के ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए जो बाद में इसका दूसरी रूप हो सकता है। आज एक गवर्नमेंट पावर में है, इसी के लिए आप अगर ऐसे करें तो कल और एक गवर्नमेंट पावर में आएगा, वो भी सेम चीज करेगा। ममता बनर्जी फिलहाल विदेश दौरे पर गई हैं, लेकिन माना जा रहा है उनकी वापसी के साथ ही ईडी की इन कार्रवाइयों पर जबरदस्त सियासत बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।